हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अवी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने जस्ट 48 आवर्स में मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो $100 मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चेक करना चाहें तो, डेट और टाइम के साथ चेक कर लें। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाई थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 की करके, उसको मैंने $200 कैसे इन जस्ट 48 आवर्स, क्या स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की, क्यों आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग क्यों नहीं कर पाते, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग कैसे कर सकते हैं जैसा मैंने किया, आप कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं यार, मेरे में कोई स्पेशल कोई नहीं है चीज, आप डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, क्या तरीका है, तो वो चीज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यार लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, मजा जरूर आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया था। तो आपको भी जैसा पता है, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो मैं आपको कुछ प्रूफ देता रहता हूँ कि मैंने कब जो है इन्वेस्टमेंट किया है, कब डिपॉजिट किया है, कब विड्रॉ किया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो मनी है, जो $100 है मैंने जो इन्वेस्ट किए थे, वो किए थे 11 तारीख को, और आज की जो डेट है वो 14 है, 14 अक्टूबर। तो जस्ट 3 दिन हुए अभी, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था सम ऑफ रीजंस, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था मेरे जो रिजल्ट्स थे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब मैं ओलिमट्रेड की एप्लीकेशन खोल के आपको दिखाता हूँ। ये ओलिमट्रेड का जो इंटरफेस है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। सो $100 से मैंने $200 कर लिए जस्ट 2 डेज। यहाँ पे देख लीजिए, बैलेंस जो है $200 है। अब लाइव दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए लाइव अकाउंट जो है इसमें $200 आप देख पा रहे हैं। डेमो अकाउंट में कुछ है लेकिन लाइव अकाउंट में $200 आप देख पा रहे हैं। तो किस तरीके से मैंने ये किए और किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सिंपली सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है, MACD प्लस पैराबोलिक SAR। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप मोबाइल में इंटरफेस में यूज़ करते हैं ओलिमट्रेड को, तो मोबाइल के इंटरफेस के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही आसान है। बाकी अगर आप लैपटॉप में यूज करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजीज आपको मिल जाती हैं, यानी कुछ अलग स्पेशल टूल्स भी मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो आप लैपटॉप में अप्लाई कर सकते हैं, बट मोबाइल में वो पॉसिबल नहीं है। मोबाइल में सिर्फ आपको गिनती के 3 या 4 इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये स्ट्रेटजी मुझे बेस्ट लगी मोबाइल के लिए। इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको बताया हुआ भी है कि किस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं ग्राफ को पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अभी तो मुझे लगता नहीं लंबी वीडियो की ज़रूरत है। तो गाइज, अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैंने जो है $200 किए। तो यहाँ पे अगर आप मेरी हिस्ट्री देखेंगे, आप ट्रेड हिस्ट्री में जाके देखते हैं, माय ट्रेड्स में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हारा नहीं हूँ, डेफिनेटली मैं काफ़ी हारा हूँ, अगर पीछे भी चले तो काफ़ी हारा हूँ। लेकिन जो मैंने तरीका यूज़ किया है वो तरीका आप चेक कीजिए। मैंने यहाँ पे मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी जस्ट $1। ध्यान से सुनना है आपको, जस्ट $1 मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद मैंने 1 से अगर मैं एक ट्रेड हारा तो मैंने सेकेंडली $2 की, फिर $5 की, फिर 10, 5 के बाद $11 की, फिर $25 की, एंड सीरियस 25 की तो मैं कभी हारा नहीं हूं, तो $25 तक मैं गया हूं। तो अगर मान लो वो भी हार जाते हैं, अगर किसी दिन सही दिन नहीं रहा, तो उसके बाद भी आगे लेने की मैं हिम्मत रखता हूं, मतलब इतना मैं ले सकता हूं। तो आप लोगों को भी यही करना है, मार्टिकल के स्टेप तब तक फॉलो करो जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्टिकल को फॉलो करो। उसके बाद मैंने यहां से 2 की जगह 3 बढ़ा दिया था, इन्वेस्टमेंट को 1+ कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेरा कैपिटल था वो इंक्रीज होने लग गया था, तो रिस्क जो है वो थोड़ी कम हो गई थी। तो इस तरीके से आपको अपना जो कैपिटल है, यानी रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से लेके चलना है, और कुछ नहीं। आपको अच्छे से अगर आप लेके चलोगे रिस्क मैनेजमेंट प्लान को, इकोनॉमिक कैलेंडर फॉलो करोगे, न्यूज़ फॉलो करोगे, ट्रेंड्स फॉलो करोगे, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर है आपके पास जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे मैंने भी काफ़ी इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया है, रेंगो कन्फर्मेशन है, या फिर दे आर सो मेनी इंडिकेटर्स, मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए भी हैं ग्रुप में, तो वो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, उनको अगर काफ़ी सारी मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ जाते हो, तो यार फिर तो आपके 3-4 ट्रेड से ज़्यादा हारना का सवाल नहीं बनता। तो एक नए ट्रेड अगर आप जीतोगे तो वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। लोग क्या करते हैं यार, एक ट्रेड जीत गए तो दूसरी उतनी अमाउंट के ले लेते हैं, या फिर मतलब अपना हिसाब से दिमाग लगाने लग जाते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग में चले जाते हैं। तो उस तरीके से आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाने वाले, इन दी एंड आपका लॉस ही होगा। क्यों? यहाँ पे ज़्यादातर लोग हारते हैं,
सबसे बड़ा यही रीज़न रहता है इमोशनल ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो लोगों के समझ में नहीं आती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी बड़ा हो, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जस्ट 1 और 2% पे ट्रेड लो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट $100 का है तो आपकी ट्रेड होनी चाहिए $1 की या $2 की मैक्सिमम। अगर वहाँ पे लॉस करते हो तो एटलीस्ट आप मार्टिकल के 5, 6, 10 स्टेप तक जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, $10, $50, तो उसके हिसाब से ट्रेड लो। आप कम ट्रेड लो बिल्कुल, क्योंकि आपको तैयार रहना है वर्स्ट केस के लिए। समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यू हैव टू रेडी कि वर्स्ट केस आपके साथ क्या हो सकता है, वो वर्स्ट केस के लिए आपको रेडी रहना है। अगर कोई आपको अच्छा सिग्नल मिलता है, आपको लगता है कि भाई ये सिग्नल है और डेफिनेटली यार ये तो मैं जीतना ही चाहिए, तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए आपको क्या करना है, आपको बड़ी ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए बड़ी ट्रेड लेनी है। आप देखिए ये जो ग्राफ है किस तरीके से चेंज हुआ है, यहाँ पे गया $3 गया, ठीक है $3 गया। अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के $6 कर देता हूँ। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी देखी होगी $209 थी व्हेन आई स्टार्ट। अब देखना है, मेन हमारा जो है हारना नहीं होता यहां पे, हम हारेंगे डजंट मैटर। वो करता है आप इन दी एंड क्या लेके जा रहे हो यहां से। अगर आप इन दी एंड लॉस में हो ना तो उसका मतलब है कि फिर कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आप इन दी एंड प्रॉफिट में जा रहे हो ना तो उस तो फिर मैटर करता है। अब ये नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, अभी हमने एक ट्रेड ली है $3 की, नेक्स्ट $6 की लेंगे, तो दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी। $3 की ट्रेड हम हारे हैं तो वहाँ पे हमारा लॉस हुआ है $3 का। अगर हम $6 की ट्रेड लेते हैं और जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, अभी फिलहाल इसका 30 चल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज हम 80 ले लेते हैं, तो अगर प्रॉफिट, अभी मैंने यहाँ पे इस करेंसी का पर्टिकुलरली कुछ चेंज नहीं किया है, बट मैं थोड़ा सा इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज पे जाएं, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम यहाँ पे 80 है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा $6 पे वो ऑलमोस्ट $5 समथिंग होगा। तो हमने $3 की एक ट्रेड हारी तो हमारा टोटल जो प्लस होगा वो होगा 5+ समथिंग। तो इवन दो हम $2 के प्रॉफिट में जाएंगे, एक ट्रेड हारने के बाद भी हम $2 के प्रॉफिट में। तो इस तरीके से आपको अपना देखना है, लेकिन हमेशा याद रखना है, कभी भी आपका अगर आपका इन्वेस्टमेंट छोटा है तो आप मार्टिकल को फॉलो मत करना, अदरवाइज पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा आपका। मार्टिकल तभी फॉलो कर सकते हो आप जब आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो, यानी $100 का इन्वेस्टमेंट हो, तब जाके आप मार्टिकल को फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ले ली है 3 मिनट्स के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब देखते हैं क्या होता है। और जो अमाउंट है वो $6 की है। अब यहाँ पे अगर मैं ये ट्रेड जीत जाता हूँ तो मेरा जो बैलेंस हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा 209 से, ठीक है 209। आई स्टार्टेड विथ 209, आपको भी पता है 209 के साथ मैंने स्टार्ट किया था, बट अगर हम ये जीतते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा और इन दी एंड हमें वही चाहिए। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इन दी एंड हमें प्रॉफिट चाहिए। इन दी एंड हम ये नहीं देखेंगे कि हम कितने लॉस में, कितने ट्रेड हारे हैं, कितने ट्रेड जीते हैं। जब लाइव सेशन हम करते हैं टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ अगर कोई ट्रेड हार जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका बैलेंस डिडक्शन हो गया या फिर हम मतलब लॉस में चले गए। नहीं, हम उस चीज़ को डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे, जैसे कि आपको पता है, जैसा कि अभी आप चेक कर पा रहे हैं। बट उतना आप अपने पास कैपिटल रखो कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहो, कि अगर हम एक ट्रेड हारे तो दूसरी ट्रेड डेफिनेटली जीत जाएंगे, तीसरी जीतेंगे, चौथी जीतेंगे, बट एक ना एक तो ज़रूर जीतेंगे, और जो जीती ना उसमें सारा लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ ना, अब किस बेसिस पे यार ट्रेड लेते हैं, हमेशा याद रखो यार। हम जैसे कि मैं अपडेट करता रहता हूँ कि कौन से टाइमिंग ट्रेड लेनी चाहिए, कौन से टाइमिंग पे नहीं लेनी चाहिए, न्यूज़ आती है, न्यूज़ इम्पैक्ट होता है बहुत सारी चीज़ें। अब मैं ये सारी चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, बाकी यार एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो यार आपको वेलकम है हमारी फैमिली में, इनविटेशन है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। और यार वीडियो को थम जरूर देके जाना, क्योंकि यार इतनी मेहनत है तो यार एक थम तो डेफिनेटली बनता है आपकी तरफ से। उम्मीद करूँगा यार लाइक ज़रूर कर दिया होगा, नए होंगे ना चैनल पे बिल्कुल, अगर यानी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार चैनल को, क्योंकि बाइनरी वर्ल्ड से आप पैसा कितना कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, क्या है क्या नहीं है, कौन फ्रॉड है क्या सही है, सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगी और जेन्युइन मिलेंगी, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हो। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो ट्रेड है इसमें टाइमिंग कितनी बची है, इसकी टाइमिंग बची है 57 सेकंड्स, और हमारा जो प्रॉफिट है $10 का, यानी हमने इनिशियली आपको याद होगा तो 209 पे स्टार्ट किया था। अगर हम ये जीत जाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा $210 समथिंग, यानी 210.9, तो हम $2 के प्रॉफिट में हैं। फिर मैं फिर से मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को $3 पे लेके चला जाऊंगा। ठीक है, यही चीज़ें आपको करनी है, और अगर ये मैं हार जाता हूँ तो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है, दैट्स इट।
इतना बढ़ाना है कि मुझे $1 या $2 का प्रॉफिट हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप लोग ये नहीं सोचो कि आप लोग नहीं कर सकते, हर कोई यहाँ से, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ इतना प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है चीज़ों को। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है बाइनरी फील्ड में, वो है आप किस तरीके से अपने पैसे को यहाँ पे बचा के रख सकते हो, यानी मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो, आपके इन्वेस्टमेंट, आपको पता है मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रेड्स लूँ, नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चाहे छोटा हो डजंट मैटर, जो मैटर लास्ट में करेगा वो हमेशा मैं बता दूंगा आपको प्रॉफिट ही करेगा। $200 मैंने यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे यार, जस्ट वन डे में मैंने, यानी मैंने तो जल्दी कर लिए थे, बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा धीरे, लास्ट का दिन थोड़ा सा स्लो हो गया था, यानी ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाया था, बट मैंने पहले ही कर लिए थे। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, अब हमारा बैलेंस कितना हो गया, $210। हमने स्टार्ट किया था 209 से, यानी हमें प्रॉफिट हो गया लगभग $1.5 का। तो बस यहीं पे यही चीज़ हमें चाहिए, मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फिर से $3 कर दूंगा, फिर से ट्रेड लेंगे और फिर से जो होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, समझ गया मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करूँगा आप तक समझ पा रहे हैं, आप पहुँच रहे होंगे बातों को। कोई भी डाउट अगर रहता है ना रिगार्डिंग बाइनरी ऑप्शंस, रिगार्डिंग हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बाइनरी ऑप्शंस, या फिर वाई यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम हियर, आपको क्यों नहीं मिल पा रहा, विड्रॉ से रिलेटेड इशू आ रहा है या डिपॉजिट से रिलेटेड इशू आ रहा है, इसमें से भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतना कोई बड़ी नई चीज़ें नहीं है विड्रॉ से रिलेटेड इश्यूज़, आपको कुछ नहीं करना है, विड्रॉ आपको डेफिनेटली मिलेगा, थोड़ा वेट करो यार, इन सारी ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं विड्रॉ में, 4 दिन 5 दिन 10 दिन इतना लगा देते हैं, बट आपके बैंक में ज़रूर आएगा अगर आपका बैंक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को वैलिड करता है तो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, आपके बैंक में ज़रूर वो चीज़ आएगी, लेकिन आपका बैंक ज़रूर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को वैलिड करना चाहिए। ठीक है, और आपका अकाउंट जो है ना, वो आपका बैंक मान लो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लेता है, बट आपका जो अकाउंट है वो आपने जो बना रखा है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए वैलिड नहीं है, तो जाओ यार बैंक में, एक फॉर्म होता है, बस फॉर्म फिल करके आओ और उसके बाद आपका डेफिनेटली आपके बैंक में, आपके अकाउंट में जो है विड्रॉ आने लग जाएगा, बस ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं है। हमेशा जो चूज़ करो ना, प्राइवेट बैंक्स को चूज़ करो, गवर्नमेंट बैंक्स पे ज़्यादा प्रेफरेंस मत दो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो ना इसमें। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई गवर्नमेंट बैंक के खिलाफ हूँ या कुछ, लेकिन क्या होता है ना, सरकारी काम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, तो अब आपने पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है, क्यों आप भी ऐसा, आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते थे, बट आज के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा रहेगा जो टेक्निकल अभी फैमिली का हिस्सा है और अर्न नहीं कर सकता, यानी उसके प्रॉब्लम आ रही है या वो हार रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, उसमें आपके सारे डाउट्स इससे रिगार्डिंग, जो आप क्वेश्चंस पूछोगे कमेंट बॉक्स में, हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आई होगी आपको, और अभी तक देख रहे हो ना यार, तो थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, और नेक्स्ट वाली वीडियो और भी धमाकेदार लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़।